चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने शबे बारात के दिन क्या क्या बनाया था। वैसे शबे बारात के दिन तो रोजे रखे जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इफ्तारी भी बनाई थी, मैंने उसका भी रेसिपी डाल रखा है। तो शुरुआत हमारी होती है मीठे से। मीठे में हमने बनाया था सूजी और बेसन का हलवा। हमने काले चने, बिल्कुल सूखा चना बनाया, फिर थोड़ी सी पकौड़ियाँ तली थी, उसके बाद हमने मूढ़ी फ्राई किया, चूड़ा फ्राई किया। हम देखते हैं कि हमने हलवा कैसे बनाया। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाली और घी हमारा जब गर्म हो जाता है तो उसमें हमने पहले सूजी डाला। सूजी को थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें हमने बेसन डाला और दोनों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहे। जब वो हमारे अच्छी तरह से 10-15 मिनट बाद गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसको हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को घी में भून लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको तेल घी में भून के ही डालती हूँ। अब हमने ड्राई फ्रूट भी भून के निकाल लिया तो हमने डाला 2 कप पानी, उसमें हमने 1 कप चीनी डाला। जब हमारे पानी और चीनी में अच्छी तरह से बॉयल आने लग जाएगा तब इसमें हम सूजी और बेसन डाल देंगे। फिर इसको कंटिन्यू चलाते रहना, हम इसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये ना नीचे पकड़ लेता है, तो इसीलिए इसको हम लगातार चलाते रहें। और इसको आपको जितना सूखा रखना है आप उसके अकॉर्डिंग निकालिए। तो मैंने थोड़ा सा सूखा ही रखना था तो इसको मैंने कुछ ज़्यादा इस तरह से सूखा दिया। अब हमारा हलवा बन के रेडी था, इसको मैंने अलग अलग बर्तन में निकाल लिया। और थोड़ी सी मुझे पकौड़ियाँ तलनी थी क्योंकि बिना पकौड़े की इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। तो पकौड़े में मैंने बनाया था प्याज के पकौड़े, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसे हमारे यहाँ प्याजू भी कहा जाता है। आपके यहाँ जो भी कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसमें थोड़ा सा बेसन और प्याज, नॉर्मली हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल के हमने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तल ली। अब हमने काले चने बनाए थे, वो भी बिल्कुल सूखा सा। तो सबसे पहले हमने चने को बॉईल कर लिए इधर, फिर हमारा चना जब 2 सीटी में बॉईल हो जाता है तो हम थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन डाल के ब्राउन होने तक उसको पकाते हैं। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाता है तो इसमें बस हम थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी, ऑप्शनल है, मैंने हल्दी नहीं डाला। उसके बाद नमक डाल के हम चना को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने, मुझे ये सूखा रखना था तो इसको मैंने ऐसे ही फ्राई किया। इसके बाद मैंने इसको सर्व किया और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला। फाइनली अब हमारा इफ्तार बन चुका है, बस हमने रोजे खोले और फिर हम सो गए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी